हे डियर जेमिनी, वेलकम टू माय जर्नल ड्रीम टैरोट। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है, लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर 2030 नवंबर। रिगार्डिंग योर लव लाइफ, ये आपकी लव लाइफ के हवाले से है नवंबर के रिमेनिंग डेज में। फॉर द साइन ऑफ जेमिनी, देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस आते हैं लास्ट 10 डेज में। होप यू आर डूइंग गुड इन योर लव लाइफ ऑल्सो। फर्स्ट कार्ड आपका है 7 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी। समवन इज डूइंग सम काइंड ऑफ स्नीकी बिहेवियर, लाइज, चीटिंग्स आपकी लव लाइफ में जा रही चल रही हैं इस वक्त। फूल कार्ड, आप किसी चीज़ का डिसीजन बनाना है जेमिनी, और आपके अंडरनीथ में है 4 ऑफ वांड्स। सो अंडरनीथ का कार्ड जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, लेकिन आपके पास 4 कार्ड आए हैं। एक 7 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड द किंग ऑफ वांड। ये किंग ऑफ वांड जो है ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त। वे फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, उनके साथ आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन्स, वो आप हो सकता है कुछ चीटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन हो आपकी। हो सकता है आप अपने पर्सन से चीट कर रहे हो, या आपका पर्सन आपको ऐसा लगता है कि चीट कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहे हैं, लाए कर रहे हैं, या बिहाइंड द सीन कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसके हवाले से आपको कोई डिसीजन बनाना है। आपका रिलेशनशिप आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें हिडन होती जा रही हैं आपके पर्सन से, और आपके पर्सन के साथ आप हो सकता है कोई लाइस दरमियान में आ चुके हैं आपके और आपके पर्सन के, कुछ स्नीकी हैं आपके पर्सन जो कि आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आप अपने पर्सन से कुछ झूठ बोल के कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको डिसीजन लेना है किसी हवाले से, और ये इस डिसीजन के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करेंगे इस पर्सन के साथ के हवाले से। आपके अंडरनीथ के कार्ड जो हैं 4 ऑफ वांड्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वांड्स। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, लेकिन आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। आप प्रैक्टिकली आगे लेके नहीं चल पा रहे इस रिलेशनशिप को, या आपको हो सकता है मनी प्रॉब्लम हो इस पर्सन से। अगर आप सिंगल मदर हैं या आपके पार्टनर आपको मनी के हवाले से कुछ परेशानी है आपको अपने आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो भी आपको उसमें भी एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। हो सकता है मनी में आपको कुछ स्टेबिलिटी सी नज़र आए अपनी लव लाइफ में, या फिर आपने अपनी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत वर्क हार्ड किया था इस रिलेशनशिप में। अब आपको ऐसा लगता है कि अब टाइम है कि आप उस आपने जो मेहनत की थी उसका फल आपको हासिल हो, और वो इस खुशी की सूरत में और इस स्टेबिलिटी की सूरत में आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ डिलेज हैं और आपको बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ डिसीजन का भी कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड का, तो आपको इस पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नीकी थिंग्स हैं, बिहाइंड द सीन है, बहुत ज़्यादा चीटिंग लाइस की सिचुएशन है। तो आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक डिसीजन लेना है, अपने आप को फ्री करना होगा इस रिलेशनशिप से, और आप बहुत ज़्यादा, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है हो सकता है फायर साइन जिसकी तरफ आपको बढ़ना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे। अगर आप इस पर्सन से अपने आप को फ्री करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा
दोबारा से एक पैशनेट लाइफ गुजार सकते हैं जिसके साथ आप चाहें। सो जेमिनाइज, हो सकता है ये फायर साइन आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो इस टाइम पे, और एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ आप करना चाहते हैं, इसका आपको डिसीजन लेना है। लेकिन हो सकता है आप स्नीकी तौर पर इस पर्सन की लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ आप। सो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को कि ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या है जेमिनाइज के लिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स की क्या एनर्जीज है, व्हाट इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स फॉर जेमिनाइज, जेमिनाइज के लिए सेवन ऑफ सोर्ड्स की क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स फॉर जेमिनाइज। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, कोई डिसीजन आपको लेना है और ये डिसीजन जो भी है वो आपने इस पर्सन को बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया भाई, शायद खुद ही आपको अपने अंदर आपके माइंड गेम प्लानिंग्स चल रही हैं, कोई आप वर्किंग कर रहे हैं खुफिया तौर पे, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई वर्क हार्ड कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको कोई डिसीजन बनाना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, इतने आप अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना है, हो सकता है इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है जिसके साथ आप सीक्रेटिवली इन्वॉल्व हैं और आपको इस सीक्रेट रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, और आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं इससे बाहर निकलने के लिए, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की सी सिचुएशन है आपके लिए, एक चीज़ ख़त्म हो रही है और एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। हो सकता है ये स्टीकी बिहेवियर आपका, आपके पार्टनर का लाइस चीटिंग जो भी बिहाइंड द सीन चल रही थी वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है, या इसमें कोई न्यू स्टार्ट है। अब देखते हैं कि टू ऑफ सोर्ड्स की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरिफाई दिस टू ऑफ सोर्ड्स। फॉर साइन ऑफ जेमिनाई, नवंबर के लास्ट 10 डेज के लिए जेमिनाई साइन के लिए टू ऑफ सोर्स की क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनाइज आपकी तरह ही कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करके डिसीजन मेकिंग करनी है आपको, आप डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हो रही, हो सकता है आप किसी फायर साइन के अलावा किसी एयर साइन से इन्वॉल्व हो आपकी तरह जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, लेकिन ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एलिमेंट में हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसले करने की करना चाह रहे हैं आप ट्रुथ के साथ। एक और कार्ड लेंगे इस टू ऑफ सोर्स का, दो कार्ड गए तो यहाँ पे लेते हैं जस्टिस और द एंड द वर्ल्ड। तो आपको अपने अपने ज़िंदगी में एक जस्टिस चाहिए और आप एक साइकिल एंड करना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, हो सकता है इस सीक्रेट रिलेशनशिप से आप बाहर आना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि आप बाहर आना चाहते हैं साइकिल से, इस फेज से अपनी लाइफ की, और ये बहुत हार्ड डिसीजन है, टफ डिसीजन है, लेकिन ये आपको लेना होगा, और ये डिसीजन अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए जस्टिस का काम करेगा, ये डिसीजन आपके लिए जस्टिस का काम करेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी एलिमेंट में आकर बहुत ज़्यादा सोच समझ के और सच को सामने रख के एक डिसीजन लेंगे जिससे आपको जस्टिस मिलेगी। हो सकता है आप सेपरेशन की कोई कहानी हो यहाँ, फूल कार्ड को क्लियरिफाई करते हैं, और इस फूल कार्ड ये न्यू बिगनिंग किस चीज़ का आप रिस्क लेना चाहते हैं, मेरी लाइफ में एक रिस्क लेना चाहते हैं, जो भी डिसीजन है बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर ये डिसीजन आप लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फुलफिल्ड होंगे, एक नए स्टार्ट होगा आपका, बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आप किसी पर्सन के
हो सकता है एक पर्सन की ज़िंदगी से निकल के आप किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में एंटर होना चाहते हैं. वॉट इज़ दिस फूल कार्ड? लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड. आपको ये, जैसे कि मैंने कहा कि एक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं आप किसी पर्सन से. एक और कार्ड लेंगे इधर फूल के लिए. फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर. आप डेफिनेटली किसी पर्सन से सेपरेशन चाहते हैं. और ये पास्ट पर्सन है, किसी के साथ आप इन्वॉल्व थे पास्ट में. हो सकते है अपने एक्स के साथ आप टोटली उससे, जो पर्सन पास से वापस आ रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है वो उस पर्सन को किसी ने उस पर्सन ने आपको डिच किया हो, या उसको किसी ने डिच किया हो. वो दोबारा आपके पास वापस आना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है आपके साथ, एक रिस्क लेना चाहता है. या फिर आपने अपने पार्टनर को चीट किया, अब आप अमेंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, इस चीटिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप से जो आप अपनी बिहाइंड द सीन अपने पार्टनर के साथ कर रहे थे, उससे बाहर आकर आप अपने पास्ट पर्सन के साथ, एक्स के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं. और वो पास्ट पर्सन जो है वो एक फायर साइन है. फायर साइन है, आप उनके साथ एक डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद, एक डिसीजन बनाने के बाद आप जस्टिस किसी को देना चाहते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं, एक साइकिल एंड करके इस लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड सिचुएशन से, सेपरेशन की सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं. इस पास्ट पर्सन के साथ आप रिकनसाइल करके एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, या फिर अपने एक्सेप्ट टोटली अपनी जो आपका जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल ही कट आउट कर देना चाहते हैं, और एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं. यहाँ पर स्टार कार्ड है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. हील कर रहे हैं आप. आपने किसी के साथ आप स्नीकी तौर पर इन्वॉल्व थे, हो सकता है कुछ प्लानिंग्स थी आपकी सीक्रेटली, थी कोई रिलेशनशिप चल रहा था, उसके साथ आप डिसीजन, एक क्लियर कट डिसीजन लेके आप इस स्नीकी रिलेशनशिप को एक टोटली अपनी ज़िंदगी से कट आउट करने के बाद बिल्कुल हील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है. कि आप हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, या फिर आप एक प्रैक्टिकल न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ. और आपके हो सकता है न्यू पर्सन कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर कोई फायर साइन भी हो सकता है. अगेन, अगर न्यू पर्सन है तो अर्थ साइन, और अगर पास्ट पर्सन है तो फायर साइन है. आपके अगर पास्ट पर्सन के साथ आप दोबारा से रिकनसाइल करना चाह रहे हैं तो वो फायर साइन है, और मुझे लगता है कि वो फायर साइन वापस दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुकी हैं मंथ ऑफ नवंबर में. एक स्नीकी बिहाइंड द सीन कोई चीज़ चल रही थी आपकी, उससे डिसीजन आपने एक लिया है क्लियर कट अपने लिए, जस्टिस हासिल करने के लिए. अब आपने एक रिस्क लिया है कि आप इस पर्सन से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल कट आउट कर लेंगे, और अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, और बहुत पैशन ओरिएंटेड होंगे आप जेमिनाइज. सो ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर के लास्ट 10 डेज के लिए. होप इट्स रेजोनेट्स यू. इफ सो प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो. लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.